थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ 420 ग्राम्स। अब ये जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, हम आ गए यहाँ पे खुले में। खुले में क्यों आए हम यहाँ पे? क्योंकि हमारा USA नहीं, हमारा भाई जो है बड़ा अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने क्या कि मैं ना थोड़ा हाउस अरेस्ट पे हूँ, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो मेरे भाई ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं क्रू लेकर आ जाऊँगा आपके घर पे, और जब हमारे पास नज़ारा ऐसा है तो भाई क्यों नहीं बात करेंगे। क्योंकि आज ना बहुत बड़ा मुकाबला है। अक्सर अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग अक्सर इंडियन फुटबॉल की बात करते हैं, एंड देयर इज अ रीज़न टू दैट। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि इंडियन फुटबॉल को हम बड़ी करीबी से जानते हैं, सो वी कैन गिव यू इनसाइट्स इनटू द गेम बियॉन्ड व्हाट यू रीड इन अ न्यूज़पेपर और व्हाट यू रीड इन एन आर्टिकल। और लोगों को हम फ़ोन कर सकते हैं और हम आपको इनसाइट्स दे सकते हैं। ऑल्सो रियल रीजंस की, जैसे बजट्स हुए, हाँ, मतलब हमारे पास बजट्स हैं नहीं जो अलाउ करें हमें चैम्पियंस लीग को कवर करने, वीक इन वीक आउट ट्रैवल टू यूरोप फ्रॉम वेरेवर वी बेस्ड। तो हाँ, कुछ अलग किस्म का बजट ही होता है। पॉइंट इज कि हम आज यूरोपियन फुटबॉल की बात कर रहे हैं। द रीज़न वी स्टेड अवे फ्रॉम यूरोपियन फुटबॉल इज बिकॉज यार, ये नई दिल्ली में बैठ के हम मड्रिड या इंग्लैंड या कहीं और में क्या हो रहा है उसके बारे में, हाउ कैन वी रियली गिव यू एन वैल्यू ऐड। पर हमने सोचा यार, देखो जो लोग आप हिंदी में पसंद करते हो फुटबॉल को ना, उसके बारे में थोड़ा तो हम लोग बात करें। एंड वी चोजन द राइट डे फॉर इट, क्योंकि आज रात को UEFA चैम्पियंस लीग में बहुत बड़ा मुकाबला है, और वो मुकाबला है मड्रिड में, सांतियागो बर्नबेउ में, जहाँ पर रियल मड्रिड विल टेक ऑन मैनचेस्टर सिटी एंड पेप ग्वार्डियोला। तो जनाब, पहले आप ये बताइए कि आप उठे होंगे उस टाइम पे 1:30 बजे पे मैच शुरू है? आजकल तो ऑन डिमांड का जमाना है। तो ऑन डिमांड देखेंगे, बट लाइक कोशिश तो है, कोशिश है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, मैं सच में बताऊं, आई एम ट्राइंग टू मेक प्लान सो दैट टाइम, उससे पहले वाला टाइम ऑक्यूपाइड। मैंने एक्चुअली बताऊं, ये नोटिस किया है, जब मैं 25-26 साल का था, अब मैं 28 का हूं, जब 25-26 साल का था तब बड़े आसानी से उठ रहा था, मैं मैच देख रहा था। लेकिन अब जो 28 क्रॉस कर लिया है ना भाई, रात को उठा ही नहीं जाता यार, चाहे जितना भी बड़ा मुकाबला हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगले दिन सुबह हाइलाइट्स देखनी पड़ती हैं, वो जो गोल्स क्या हुआ बस वो देख के दिल खुश करके बंदा आगे जाता है। लेकिन आज मेरे को लग रहा है ये इतना बड़ा मुकाबला है कि आज पूरा मैच देखना पड़ेगा भाई, बहुत ज़बरदस्त मैच है। और इसमें इतने स्टोरी लाइन्स हैं मैन, देयर इज़ पेप ग्वार्डियोला वर्सेज रियल मड्रिड, दैट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ दिस गेम, क्योंकि ये आज मड्रिड में खेला जा रहा है मुकाबला। So, और इसमें काफ़ी सारे एंगल्स आ जाते हैं, व्हिच यू वर ब्रिंगिंग अप अर्लियर व्हेन यू वर चैटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट टू डू ऑन दिस। हिंदी में सर? हाँ सर, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, और धूप भी नीचे जा रही है, तो जल्दी जल्दी खत्म करना है। काफ़ी रैपिडली है। सो या थोड़ा स्टोरी लाइन बताएं, हिस्ट्री बताएं थोड़ा, पेप ग्वार्डियोला, द कनेक्शन बिटवीन हिम एंड ऑफ कोर्स जिडान, हु इज a junior coach in many ways, younger coach who is much younger, अगर आप coaching की बात करें, coaching process में उनके coach education process में licensing process में involved थे, तब से influence रहे हैं। Also Guardiola as a player at Barcelona, the rivalry between that club and Madrid comes in, and जो उन्होंने इतना success achieve किया, ऑल्सो आई थिंक सोशल पोलिटिकल इज़ द मेन राइवलरी, सच में अगर आपको बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि बार्सिलोना जो ग्वार्डियोला जो हैं वो बार्सिलोना के थ्रू एंड थ्रू बंदे हैं, एंड वो है कैटलूनिया, राइट, कैटलूनिया जो साइड है, एंड इट्स कैटलूनिया वर्सेज द रेस्ट ऑफ स्पेन, और मड्रिड बीइंग द सेंटर ऑफ स्पेन, इनवेरिएबली एक वो राइवलरी आपकी बन जाती है ना। अब मैं उस पोलिटिकल राइवलरी के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, पर यह जानता हूँ कि ज़बरदस्त राइवलरी है, पर इसको लेकर बातचीत बहुत होती है भाई, चाहे ग्वार्डियोला हो चाहे मड्रिड वाले हों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि मैनचेस्टर सिटी को 2 साल का बैन लगा है चैंपियंस लीग से फॉर फजिंग फाइनेंशियल फेयर प्ले, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। काफी लंबा चट्टा वो है, पर काफी दिलचस्प भी है, काफी मतलब बात करने लायक, पर अभी वो कंफर्म नहीं है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट है, अभी सिटी को पूरा अप्लाई, वो फिर से अपील करेंगे, और अगर वो ओवरटर्न करेंगे कि नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जो सुना है हमने, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, अब दिल्ली में बैठ के जो जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, पॉडकास्ट सुने, ऐसा लग नहीं रहा कि ओवरटर्न होने वाला है इस बारे। तो 2 साल का अगर बैन लगने वाला है ना भाई, ये सिटी का आखिरी मौका है कुछ करने का, क्योंकि 2 साल के बाद क्या वो प्लेयर आपके साथ रहेंगे, क्या वो कोच आपके साथ रहेगा, क्योंकि 2 साल आपको खेलने को नहीं मिला है। कोच ने तो बोल दिया है वैसे 100% वो रहेगा, बैन और नो बैन, कोच ने बोल दिया है कि वो मैन सिटी के साथ ही है, एंड यू कैन बिलीव ऑन दैट, टू बी ऑनेस्ट, या ही सीम्स लाइक अ गाय जो अपने क्लब के साथ मतलब बंधा हुआ है, मतलब आई हैव इश्यूज विद दैट, कि आप इतनी लॉयल्टी कैसे दिखा सकते हैं कि जब
सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रही है और चीटिंग एसेंशियली की बात चल रही है कि आप उन्होंने फज किया ना अपना स्पॉन्सरशिप वैल्यू, हाँ, हाउ यू आर प्लेइंग द सिस्टम एसेंशियली, ताकि आप बिकॉज क्या है सर उस मामले में कोई दूध का धुला नहीं है, नहीं दूध का धुला कोई नहीं है, वो प्योरिटी वाली बात तो हम कर ही नहीं रहे, तो फिर खत्म कहानी ना, हम ये बस यही कह रहे हैं कि अगर आप गंदे पानी में जा रहे हो तो सबके सब गंदे हैं, खत्म कहानी, तो वहाँ पे फिर दूध का धुला कौन निकलने वाला है, नहीं बात तो सही है ना सर, ना इफ यू सो ब्लैक एंड वाइट अगर ऐसे लें हम तो फिर तो हम सब बंद करके घर चले जाते हैं नहीं वेट करें जब बीवी आएगी डंडे मारेंगे तो सुबह जाएंगे, नो बट द पॉइंट इज दैट द आइडिया बेसिक वी वोंट गेट इनटू एनी डिटेल्स, पर जो मोटा मोटा आइडिया है वो ये है कि थोड़ा बहुत कैप्स होने चाहिए, आप एक फुटबॉल क्लब में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल फेयर प्ले एसेंशियली, एंड व्हाट कितना लॉस अलाउड है क्लब को इनकर करना ताकि आगे जाके लीड्स यूनाइटेड ना हो, या नाउ इफ यू आर circumventing or playing with that, essentially toying with that system, everyone knows, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, it's not an allegation that goes सिर्फ back room पे या सिर्फ जो पैसे डाल रहे हैं जो money managers हैं सिर्फ उन पे नहीं है, सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक, because आपको पता है आप कौन से players attract कर रहे हैं, किस price पे attract कर रहे हैं, क्या salaries दे रहे हैं उनको, कहाँ से आपके वो पैसे आ रहे हैं उनको देने के लिए ना, आप छोटी सी बात रख लें आप agents को कितना पैसा दे रहे हैं, that itself is the budget of many clubs in Europe. Forget about Hindustan में क्या होता है या छोटे देशों में क्या होता है. So footballing के हिसाब से. तो हाँ ठीक है loyalty आपकी loyalty आपकी nationality से है आपकी ethnicity से है आपकी language से है. But एक club के साथ भी इतना loyalty जब शायद साबित हो चुका है कि वो club सही नहीं कर रहा है. Club की बात नहीं है ना ये घुमा फिरा के ये ऐसी बात होगी जो आप भारत के context में भी ले सकते हो. कितने लोग हैं जो system के खिलाफ जाएंगे है ना, अगर आप जानते हैं अगर आप पेप गॉडियोलो हैं और आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं और आपको जानने में इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आप हेड कोच हैं आप प्लेयर मंगा रहे हैं आप पूछ रहे हैं मेरा बजट क्या है क्या है, तो अगर आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं तो आप सिस्टम के खिलाफ जाएंगे कि नहीं, पर आप नहीं जा रहे ना सिस्टम के खिलाफ, कुछ भी हो घुमा फिरा के आप नहीं जा रहे सिस्टम के खिलाफ, तो ठीक है सर. या बट इट काइंड ऑफ डाइल्यूट्स देन द अदर एंगल्स दैट यू आर गोइंग फॉर ना, आप जो अगर लाइक एक साइड पे आप कह रहे हैं कि आप एंटी रॉयलिस्ट एंटी एलिटिस्ट हैं, कहां से आप एंटी रॉयलिस्ट, आपने सबसे ज्यादा तो आपने खर्चे हैं पिछले 10 साल में, इन अ सेंस अगर आप देखें तो कैटलान माइनॉरिटी है, तो अगर आप उस क्या कहते हैं पक्ष को लेके बात कर रहे हैं दैट मींस यू थियोरेटिकली गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट नो, तो हाउ, तो वही आपके मैसेजिंग को आपके प्रोसेस को ही डाइल्यूट करता है ये सब. तो लोग कल आके बोलेंगे कि यार ठीक है जब टाइम आता है तो ये बोलते हैं, बट जब अपना आता है तो देन यू डिसाइड कि हम उसी सिस्टम में रहेंगे उसको उसी सिस्टम को कायम रखेंगे उन्हीं क्लब्स को बढ़ाएंगे. इट कुड बी दैट भाई ये बहुत डीपर इशू पे जा रहे हैं आप जनाब, ठीक है चलिए नीचे जा रही है जनाब वापस, आज मैच भी है, मैच भी आज मैच से पहले हम चलाना है, एक ब्रेक ले सकता हूँ मैं जरा प्लीज, सॉरी बिरयानी वाले का फोन आ रहा है. हेलो हेलो और वापस इसलिए लाए क्योंकि हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, पिछली बार एक कमेंट भी आया था ये साला कहीं भी चला जाता है, ये स्पेशलिटी है पर ये ना एक क्वालिटी भी है और इस क्वालिटी को ना बहुत करीबी से आपको पसंद करना चाहिए, ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है, तो ये अपने भाई में है और ज़बरदस्त चीज़ है और वी रिस्पेक्ट दैट. लेकिन बैक टू सिटी वर्सेज रियल मैड्रिड और जो कि आज मुकाबला बर्नबाउ में खेला जा रहा है भाई, तो जो उन पर वो बैन लगा है 2 साल का चैंपियंस लीग का बैन, AS मार्सा मार्सा एंड AS विच आर बोथ हैविली डोमिनेटेड मैड्रिड पेपर्स, उन्होंने बोला क्या, द कैटलान क्लैन दैट हैज सेट फायर टू मैनचेस्टर सिटी विद अबू धाबी ऑयल, समझ रहे हैं सर, बिल्कुल हाँ, तो मतलब निशाना कहाँ कहाँ से लगाया है भाई, और यही नहीं इन्होंने सिर्फ हेडलाइन है, अगर आप आगे स्टोरी में जाएंगे तो उसमें तो वो बोलेंगे ना कि वो फुटबॉल को बर्बाद कर रहे हैं, और सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, वही टीम जो इतने साल से पैसे भेजे जा रही है खर्चे जा रही है बड़े बड़े खिलाड़ियों को खरी खरीदा जा रही है, आई एम सेइंग ड्यूरिंग द मैड्रिड ग्लोरी इयर्स राइट व्हेन यू हैड दोज गैलेक्टिकोस, अगर तब FFP होता तब नहीं होती मैड्रिड इन द सेम प्लेस, सो दो सेम पीपल आर नाउ पॉइंटिंग अ फिंगर एट मैनचेस्टर सिटी बिकॉज जो हेड का जो बंदा है ना वो एक कैटलान है पेप गार्डियोला, एंड दैट इज वेयर द राइवलरी इन दिस गेम लाइज टुडे भाई. एक और आपको बताता हूं, आई मीन इन दैट सेंस इट्स आल्सो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैड्रिड जो मतलब जाना जाता है गैलेक्टिकोस के नाम से, और
जहाँ जिडान मतलब जिडान बेकहम ब्ला 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 कार्लोस लाइक देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स राइट जिनको हम सब ने मतलब हमारे जनरेशन ने आइडलाइज किया है और हमारे क्या यंगर जनरेशन सब ने किया है सब और जो सब जीते हुए हैं चैंपियंस लीग जीते हुए हैं कितनी बार जीते हुए हैं मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन यूरोप बैक्ड बाय लाइक यू सेड फ्रैंकोस गवर्नमेंट व्हेन इट वाज अ डिक्टेटरशिप इन स्पेन सो दे हैड मनी दे हैड ऑल द टाइम एंड सडनली दे आर द हैव नॉट्स सो इन अ सेंस वो जो जो भी है पता भाई कुछ चेंज कुछ नहीं हो रहा है इसमें लोगों को शायद लगेगा कि सिस्टम पूरा टॉपल हो रहा है बट सिस्टम कुछ नहीं हो रहा है बट जस्ट प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं इसमें आपको मैं बता दूं बुरा ना लगे दिल पे चोट लग रही है बुरा ही लगना चाहिए देखो जी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो वही है वो बदले नहीं है बदला कौन है मीडिया उस टाइम पे मीडिया कह रहे हैं वाह 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 यहाँ पे मीडिया दूसरे के ऊपर देख के कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो आप सर ये मीडिया है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हम भी मीडिया वाले हैं वैसे डोंट टेक अस टू सीरियसली वैसे एक ग्वार्डियोला के प्लेइंग डेज के टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस राइवलरी व्हेन ही वाज आस्क्ड व्हाट ही थिंक्स व्हेन ही हियर्स द स्पेनिश नेशनल एंथम यू नो व्हाट ही सेड एल सेगादोर्स इज द कैटलान एंथम सर which is not the Spanish national anthem. So you can kind of get a sense of why the people outside of Catalonia, especially Madrid, which is the center of Spain, have such a dislike for him. They have a massive dislike for him. Or, but now, it's not the people who are involved in football, who are the big people who are involved in football, who are watching what Guardiola has done with Barcelona, what has done with Bayern Munich, what has done with Manchester City. These are the people who are general public. Hai. और एक डिस्टेस्ट है भाई और वो पेपर्स कीप ऑन सेइंग दैट सो एंड ऐसा नहीं है कि ग्वार्डियोला कुछ दूध का धुला है भाई उनसे जब बायर्न म्यूनिख के लिए खेल रहे थे रियल मैड्रिड के खिलाफ 2014 में खेले थे सेमीफाइनल चैंपियंस लीग और जब हारे थे तो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला उन्होंने बोला मैड्रिड हैव एथलीट्स दे हैव फुटबॉलर्स बट दे एक्चुअली रियल एथलीट्स दैट थिंग डिडंट गो डाउन विद देम मैन वो कह रहे हैं कि आप सर आप भाग रहे हो आपका इंजन अच्छा है But as far as footballing quality is concerned, आप थोड़ा पीछे हो तो ये पॉट शॉट्स मतलब हर दोनों जगह से चले जा रहे हैं एंड दैट एड्स अ स्पाइस टू द मैच टुनाइट आज बहुत ज़बरदस्त है तो ये बिल्कुल आई थिंक बढ़िया तरीके से आई थिंक सेगवे करता है इन टू जो पिच पे होने वाला है शायद या जो एक्सपेक्टेशन हैं उस कहानी में क्योंकि आई मीन There was a time when Barcelona were playing really boring football also. Depends on and how winning. You look at it. Yeah, depends yeah. on how you look at it. Yeah, depends on how you the look at it. The other way of looking at it is that there was no one close to them to shut them down, jo wo kar rahe hain. Haan. So it came across Matlab, as boring. All kinds of things. Like, main, let's say, mid-90s se shuruaat karke baat kar raha hun. Theek hai? Achha, mid-90s pe aap chalenge. Jab kafi unpopular club tha Barcelona. Haan. Not successful. At least outside. Yeah. And even when they had success and guys like Ronaldinho and Haji and all these guys were playing there. The style of play wasn't necessarily what it is today or what it evolved into this position based. Rijkaard wala. 1000 passes in a match, 90 minute mein aap 1000 passes kar rahe hain. Ya ye aapka objective hai. चाहे वो पास लैटरल हो चाहे वो पास पीछे जाए चाहे वो पास फॉरवर्ड मूवमेंट हो बट आप बॉल रख रहे हैं आइडिया सिंपल है कि जब आपके पास बॉल है तो दूसरी टीम ज़्यादा काम कर रही है तो थिंकिंग इज दैट यो आप हर वक्त डोमिनेंट हो गए जब आपका बॉल होगा लाइक आइज़ैक डोरू जो हमारे शो पे आए थे कल परसों वो कह रहे थे कि आपकी डेस्टिनी टू व्हाटएवर एक्सटेंट जब आपके पास बॉल है आपके कंट्रोल में यू नॉट सो डिपेंडेंट ऑन दूसरी टीम क्या कर रही है तो इट गोज फ्रॉम देयर इनटू टुडे हाउ आई डोंट नो लाइक हाउ आई थिंक So Manchester City will be playing that style. At least ये आप मुझे बता रहे थे कि European football हमारी थोड़ी ढीली है। काफी ढीली है। हम तो कालका जी के आगे नहीं गए हैं। कि Madrid का जो lineup है वो इसको Benzema, Gareth Bale। सी जनाब क्या है कि जो break पे खेलेंगे और हाँ पर आज ना अगर आप style की बात करें तो हम politics पे चले गए हम rivalry पे चले गए वैसे आपको एक और बात बता दूँ अभी Guardiola जी से पिछले साल ही किसी ने पूछा था which in the last 10 years do you think are the three biggest clubs in the world उन्होंने बोला Barcelona, Juventus हाँ और Bayern Munich East Bengal नहीं बोला नहीं East Bengal नहीं बोला उन्होंने Barcelona, Bayern Munich और Juventus बोला तो ये भी बात उनको ना काफ़ी खली है वहाँ पे मैड्रिड में लेकिन एज फार एज गेम प्ले इज कंसर्न मेरे हिसाब से सिटी पोजेशन रखने वाला है सर और ये बिल्डअप टू द मैच में अगर आप देखो तो पेप ने काफ़ी बारी बोला अपने खिलाड़ियों को अगर आप मैड्रिड को बर्नबेओ में खेलने जा रहे हैं देन यू हैव टू बी द डोमिनेंट वन अगर आपने उनको डोमिनेंट बनने दिया तो वो खा जाएंगे वहाँ पे आपको सर 10 बारी
दस बारी चैंपियंस लीग जीती है ये टीम, नहीं मजाक नहीं है, वो स्टेडियम जानता है इस कॉम्पिटिशन को। हाँ वही मैं कहने वाला था कि कहना तो आसान है आप जाके डोमिनेट करेंगे उनके घर में, हाँ लेकिन करना इज अनदर स्टोरी। नहीं हैविंग सेड दैट कि अभी जो आपकी प्रेजेंट मैड्रिड टीम है, अगर आप कहें पोजेशन वर्सेस पोजेशन तो बेहतर कौन खेल सकता है, सिटी खा जाएगा उनको पोजेशन के हिसाब से, जिस प्रकार के उनके पास खिलाड़ी हैं, जिस प्रकार से वो सेटअप हुए हैं, तो मैड्रिड क्या करेगा, वो काउंटर पर खेलेगा सर, बेस्ट है ना, क्योंकि आप पोजेशन जब खेल रहे हो काउंटर के खिलाफ, आप कह रहे हो आओ खोलो हमें, हम बैठे, हमने लेकिन आगे तीन ऐसे खिलाड़ी रख देने कि जैसे हम बॉल जीतेंगे यू और वो भागे आगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आज गैरेथ बेल को खेलने को मिल रहा है क्योंकि उनके पास काफ़ी स्पीड है, शायद मॉड्रिच को खेलने को ना मिले क्योंकि जैसी मैड्रिड बॉल जीतेगी, और अगर आप जिडान की जितना भी जीते देखें, जिडान का जितना वो चैंपियंस लीग जीते हैं, लीग्स जीते हैं, वो बहुत प्रैग्मेटिक मैनेजर हैं। ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि मुझे सही तरीके से जीतना है, सही तरीका फुटबॉल का क्या होता है, उनके लिए जीत जीत होती है। तो अगर जीत है कि मैंने 10 खिलाड़ी पीछे रख दिए और फिर मैंने काउंटर पे गया और मैंने गोल मारा, जीत है भाई, 3 पॉइंट है, खत्म कहानी, बिल्कुल जायज। तो एंड इनफैक्ट अगर उनका प्लेइंग करियर भी देखें तो उसमें भी वैसा ही रहा है। हाँ फ्रांस 98 2000, आई मीन चैंपियंस लीग अगेंस्ट लेवरकुसन फॉर मैड्रिड, दैट वाज आल्सो, क्या गोल था यार, क्या गोल था, बट दैट वाज द ओनली बिट ऑफ फ्लेयर परहैप्स, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स द सिस्टम इज इंजीनियर्ड टुवर्ड्स जीत जीत। हाँ yeah. सही बात है, अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा किल कर देता है गेम को ना, नहीं बट मजा थोड़ा किल हो जाता है। हम जो इतना यहाँ पे बात कर रहे हैं राइवलरी की, दोनों कोचेस के बीच में इतनी कोई बड़ी राइवलरी है नहीं इन टर्म्स ऑफ एनिमोसिटी। जब एनिमोसिटी की बात करते हैं ना, तो जिडान चाहे मैड्रिड के लिए बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी रह चुके हैं, अब बहुत ज़बरदस्त कोच भी रह चुके हैं, जिन लोगों को पता नहीं होगा जब जिडान अपने बैजेस कर रहे थे यूएफए बैजेस, तो उस टाइम पे जब ग्वार्डियोला बायर्न म्यूनिख के कोच थे, तो जिडान ने वहाँ पे काफ़ी समय बिताया था, क्योंकि वो आपका करिकुलम का पार्ट होता है कि आप किसी टॉप मैनेजर और टीम को देखो और वो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है। जब ग्वार्डियोला खिलाड़ी होते थे और जिडान भी खिलाड़ी होते थे, तो ग्वार्डियोला ने पब्लिकली बोला हुआ है कि मैं अगर एक खिलाड़ी को लुकअप टू करता हूँ तो उनमें से एक है जिनेडीन जिडान, अगर मेरे को एक खिलाड़ी की जर्जी वापस लेनी होती तो इट वुड बी जिनेडीन जिडान। सर मजा आने वाला है, मतलब बहुत स्टोरीज हैं यार इंटरवोवन इनटू दिस आज रात के मुकाबले में। सही है सर, देखना बस इतना ही है कि हम जगे रहेंगे या नहीं। मैं तो नहीं जगाऊंगा सॉरी, मैंने भी काफी ज्ञान बांट दिया यहाँ पे, लेकिन मैं सो जाऊंगा यार। अब अगर जगे रहना है तो आई थिंक मे बी इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ नैप राइट नाउ इनटू दिस। जनाब जाते जाते एक प्रेडिक्शन दे दो आप, फर्स्ट लेग है सर, मैं क्या बताऊंगा, कुछ तो बताओ सर, हम ज्ञानी बन रहे हैं यहाँ पे। नहीं क्या है, ठीक है, फेयर इनफ, आई से 2-2। Two-all? Yeah. Interesting. Yeah, I feel like between... Sir, City बहुत chances गवा रही है आजकल, इस पूरे season अगर आप देखो। Sterling वापस आ रहे हैं। Sterling वापस आ रहे हैं, injury से आ रहे हैं लेकिन। हाँ, ठीक है। Impact player हैं मेरे हिसाब से। हाँ। और उनका जो मतलब चल रहा है एक दो साल से form और जो knack for goal है, उस हिसाब से I think I mean City में हमेशा इतनी क्षमता तो है ही एक दो गोल मारने की। अगर वो ठीक खेलें और टू ऑल द एडवांटेज सिटी होगा। हां या डेफिनेटली, हां बिकॉज़ अवे गोल्स की वजह से। हां जरा मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता नहीं है 2-2, मेरे को लगता है आई थिंक 2-1 होगा, 2-1 इन फेवर ऑफ मैड्रिड, व्हिच मींस द टाई इज स्टिल अलाइव, एंड 2-1 अगर होता है तो सिटी इज स्टिल अवे गोल दे रहे हैं, सिटी इज स्टिल ऑन टॉप। बढ़िया, तो ठीक है, देखी जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये यूरोपियन प्रीव्यू पसंद आया। हम दिल्ली के कालका जी में बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं कि आज मैड्रिड में क्या बात है, स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी, यू नो टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग, बट इफ यू एंड इफ यू डू वॉच देन वी कैन डू अ फ्यू मोर, मतलब हम हिंदी में करते रहेंगे, फीडबैक दीजिए यार, अगर आपको पसंद आया बात करते रहिए तो हम बात करते रहेंगे, नहीं लगा पसंद तो भी बताइए, ठीक है।